नमस्कार दोस्तों, रूममेट किसके नहीं होते दोस्तों, मेरे भी थे। पहले अरविंद आया, फिर मनीष, फिर बाद में तो कुमार भी आया, लेकिन मुझे उस पर कभी विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि भारत में हर 10 में से 11 लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी के अलावा खराब रूममेट से भी परेशानी होने लग रही है। ऐसा मैं नहीं बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में चांटा लगाने वाले सिक्योरिटी गार्ड बब्बन मियाँ का कहना है। तो आइए जानते हैं बुरा रूममेट क्या होता है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हरदोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे रूममेट जो बिना पूछे आपका सामान यूज करने लगे, घंटी बजने पर दरवाजा ना खोले और अपने दूसरे दोस्तों को बुला के रूम में नंगा नाच करने लगे, बुरे रूममेट होने लग रहे हैं दोस्तों। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया तो इस रिपोर्ट को सपोर्ट भी करने लग रही है और यहां तक कहने लग रही है कि ऐसे रूममेट आपके बिस्तर पर दाग लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि दही गिर गई थी, बल्कि ये तो दही खाने भी नहीं लग रहे होते दोस्तों। तो आइए जानते हैं मिष्टी दही कितने में मिलती है। अरे नहीं, सॉरी, आइए जानते हैं कि इतिहास का पहला रूममेट कौन था। दोस्तों, रूममेट प्रथा की शुरुआत आज से 800 साल पहले पर्सिया में हुई थी, जब सन 1230 ईस्वी में शम्स तबरेजी नाम के एक शख्स ने जलालुद्दीन मुहम्मद को रात भर बकैती करने के लिए अपने रूम में बुला लिया और बकैती करने लगा। अब दोस्तों, बकैती करते करते महीना भर हो गया और रेंट के नाम पे जलालुद्दीन ने तबरेजी को अंग्रेजी में एक पोयम दे दिया कि भैया हम तो यही देंगे। अब तबरेजी इस पोयम को पर्सिया में सुना सुना के बंदियां पटाने लगा, लेकिन जब वो बंदी लेके रूम पे पहुंचा तो जलालुद्दीन ने बाहर जाने से इनकार कर दिया और रूम में ही रहने का प्रस्ताव रखा। अब उसे 24 घंटे रूम में रहना इतना पसंद आ गया कि तबरेजी ने उसका नाम रूमी रख दिया और आगे चल के वही महान शायर रूमी के नाम से प्रचलित हुआ। हालांकि तबरेजी ने बाद में रूमी को रूम से निकाल दिया, क्योंकि रूमी दूध का हिसाब किताब करने नहीं लग रहा था दोस्तों। वो बोलने लग रहा था, मैं तो महान शायर हूं, मैं सिर्फ दारू पीता हूं। तो दोस्तों, अब यहां पे दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रूममेट के साथ हिसाब किताब कैसे करें। दोस्तों, कालांतर में रूममेट्स के साथ हिसाब किताब करने का कोई तरीका नहीं होने लग रहा था, इसलिए उनके बीच झगड़े, दंगे, फसाद होने लग रहे थे। ऐसे में ध्रुव तारा नाम का एक मैथमेटिशियन सामने आया और उसने एक फॉर्मूला निकाला दोस्तों कि टोटल खर्चे को अगर आप रूममेट की संख्या से डिवाइड कर दें तो पर हेड हिसाब आ जाएगा दोस्तों। है ना रोचक बात। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये आने लग रही होती है कि अगर रूम में 12 केले आने लग रहे हैं और आप सिर्फ दो ही खाने लग रहे हैं तो बाकी चार किसकी पेट में जाने लग रहे हैं। ऐसे में मैं एक और सॉल्यूशन लेके आया हूँ दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप 6 की जगह 10 अंडे खा लें और हिसाब चुकता कर लें दोस्तों। लेकिन यहाँ पे तीसरी कॉम्प्लेक्सिटी तब उठती है जब रूममेट मंथ एंड में उधार मांग ले। ऐसे में उसे उधार दे या गाली, आइए जानते हैं। दोस्तों, अपने रूममेट को उधार देने से पहले उसके आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप जरूर चेक कर लें दोस्तों, और अगर वो पैसे वापस ना करे तो उसके नाम की सुपारी भी दे दें। लेकिन फिर भी मेरा रूममेट मुझसे पैसे उधार लेने लग रहा है दोस्तों, क्योंकि फेब और मार्च के महीने में उसकी सैलरी कट के आने लग रही है दोस्तों। इस बार तो मैंने उसकी बाइक जब्त करके उसे कुछ पैसे उधार दे दिए, लेकिन साथ में मैंने उसको एक नसीहत भी दी कि अगर वो भी ईटी मनी यूज करता और सैलरी पे टैक्स सेव करता तो आज सड़क पे बाइक से सांप बना रहा होता दोस्तों। क्योंकि ईटी मनी पे मैं बिना किसी सीए के हेल्प के अपनी सैलरी पे 78,000 तक की टैक्स सेविंग करने लग रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब ईटी मनी इतना इजी टू यूज है, पेपरलेस और सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ऐप पे अवेलेबल होने लग रही है, तो मेरा दोस्त मुझसे उधार क्यों मांगने लग रहा है, ईटी मनी डाउनलोड क्यों नहीं करने लग रहा दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पैसा इतनी बड़ी समस्या है तो रूममेट कितने में रखे। अब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने लग रहा है जिस पर पिछले साल संसद में हंगामा भी खड़ा हुआ था। अब ये हंगामा क्यों बरपा था दोस्तों, क्योंकि आम रूममेट पार्टी के कुछ रूममेट्स ने टेबल पर चढ़ के रेंट एग्रीमेंट फाड़ दिया था। उनका कहना इतना था कि अगर फ्लैट में बराबरी की जगह नहीं मिल रही तो बराबरी का रेंट किस मुंह से मांगने लग रहे हो। अब यहाँ पे विपक्ष ने भी दूसरा सवाल ये खड़ा किया था कि हमें अटैच बाथरूम वाला रूम क्यों नहीं मिलने लग रहा, जिस पर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यह कहा था कि नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें पड़ोसी फ्लैट वालों की साजिश लगने लग रही है। अब यहां पे सवाल खड़ा यह होता है कि क्या दुनिया में सभी बुरे ही रूममेट्स होते हैं, अच्छे रूममेट नहीं होते क्या। टॉस करके जानते हैं दोस्तों, हेड आया जान लेते हैं। दोस्तों, तूफान एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अच्छे रूममेट्स की प्रजाति धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, इसीलिए पोपटलाल अकेले ही रूम में रहने लग रहा है।
दोस्तों, अभी यूकेजी में पढ़ने वाले कुछ बच्चों की माने तो दुनिया का सबसे अच्छा रूममेट डोरेमोन होने लग रहा है, जो जापान में नोबिता के साथ रहने लग रहा है। सुबह उठने के साथ ही उसके हाथ में कुछ देने लग रहा है दोस्तों। अब इतिहासकारों का इसमें मतभेद भी है। हिस्टोरियन भीड़े मास्टर कहने लग रहा है कि डोरेमोन तो रूममेट होने भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अलमारी में रहने लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब रूममेट के साथ इतनी ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो उसके साथ सेक्स करें या ना करें? दोस्तों, ना करें मजा नहीं आता। आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अच्छा रूममेट बनने का ट्राई कर सकते हैं। इस पर मेरा क्या टेक है, कैसे अच्छा रूममेट बने, आइए जानते हैं। दोस्तों, अच्छा रूममेट बनने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके रूममेट की नींद पूरी हो, वो अच्छे से रात में सोए। तो ये कोशिश जरूर करें कि आपके रूममेट को सोने को मिले। दोस्तों, मेरे रूममेट के सोने का वक्त आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मैं दोस्तों चप्पल के डर से डर गया हूँ, प्लीज़ जो करना है करें। भाई सो जाओ, तुम्हारा बेड उस तरफ है, जाओ जाओ। दोस्तों, चैनल चलते रहना चाहिए रात में भी।